Good morning, food fab, and welcome to my world of sinful eating. Woohoo! आज हम लोग खाने वाले हैं all types of samyang noodles. अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा that how much I love noodles. तो मैंने सोचा why not to just eat some delicious soupy brothy and you know with different flavors of samyang noodles जो मैंने नहीं खाए हैं. मैंने सारे फ्लेवर्स ऑफ सामयांग नूडल्स मंगा लिए. अब इसके अलावा भी कोई अगर फ्लेवर्स है देन आई डोंट नो. यहाँ पर आया बट टू एक्स स्पाइसी जो मेरा खाया हुआ है, कार्बोनारा शायद मेरा खाया हुआ है लेकिन एक डेढ़ साल पहले, सो आई हैव कंप्लीटली फॉरगॉट द टेस्ट. आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस. देन आई हैव गॉट दिस किमची फ्लेवर. ये वाला फ्लेवर काफी कंफर्टिंग है, बहुत ही लाइट वर्जन है, मेरे को काफी पसंद है. देन जजांग, जजांग अभी मैंने दो बार खा लिया तो आई होप मैं ये शायद आज ना खाऊं. हॉट चिकन फ्लेवर रामेन, दिस इज नॉट स्पाइसी बट दिस इज वेरी टेस्टी. ये मेरा एक बार खाया हुआ है. 3x स्पाइसी माशा अल्लाह. इसके बारे में क्या बताऊं, ये खाते तो मैं इतना रोई थी. ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा. बुलदा चीज फ्लेवर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस टू फ्लेवर. आई थिंक आई हैव हैड वंस बट आई थिंक एक डेढ़ साल दो साल हो गया पुराना. कब खाया मेरे को भी याद नहीं है. सो आई हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन द टेस्ट एंड आई रियली वांट टू ईट दिस. एंड द बेस्ट इज आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस सी फूड पैक जो मुझे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखा. दिस इज अ फ्लेवर विच आई हैव नॉट एट टिल डेट नाउ. यहाँ पर 8 फ्लेवर है तो इसके लिए तो बेसिकली मेरे को 48 आवर्स चैलेंज करना पड़ेगा. 48 आवर्स नूडल चैलेंज इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर माय डाइट. सो अभी फॉर माय मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आई एम गोइंग टू ट्राई बोथ क्योंकि पेट खाली अभी खा सकते हैं. आई एम गोइंग टू ईट दिस किमची फ्लेवर बिकॉज दिस इज वेरी वार्म एंड कम्फर्टिंग. आई एम गोइंग टू ट्राई दिस चीज फ्लेवर जो अभी इस वीडियो में खा लूंगी. इसके बाद मैं नूडल्स नहीं खाने वाली, आई पक्का प्रॉमिस. This is the seasoning powder. मैं जब खाई थी untried noodles, उसमें मेरे को याद है किमची सूप पाउडर के साथ आई थिंक कुछ फ्लेक्स भी था. आई डोंट रिमेम्बर. अभी यहाँ पर इस पैकेट में तो मेरे को सिर्फ सूप बेस दिख रहा है. सो इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगी. आई जस्ट ईट इट सिंपली. आई जस्ट वांट टू एंजॉय इट्स ओरिजिनल कंफर्टिंग टेस्ट यू नो. ऑल्सो आफ्टर एजेस आई हैव गॉट माय बाउल. ये सिरेमिक बाउल, ये मेरा फेवरेट बाउल है. सूपी सामयांग किमची रामेन नूडल्स ऑन दिस क्यूटी बाउल लुक्स सुपर डिलीशियस. वार्म यू अप फूड फैम विद द विजुअल्स. वो लुक्स सो गुड. एंड नाउ आई एम गोना सिंपली डिग इन. हॉनेस्टली आई फील दैट आई डिजर्व इट. आई डिजर्व एंड आई डिजर्व इट. My God, it's so salty, flavorful. जबकि सूप ड्राई हो जा रहा है. There's a slight sourness to the taste, you know, because of kimchi flavor maybe. इसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, सिर्फ थोड़ा सा ग्रीन अनियन दिख रहा है और कैबेज का मेरे को लीव्स दिख रहा है. बट however, still it's very comforting to my taste buds. Let me sip the soup because soup बहुत dry हो जा रहा है. Oh, this is so comforting, so nice, so soothing. So we'll try this cheese flavor. I've got cheese powder and I've got this. Oh, this is a saucy, spicy saucy or chicken flavor sauce, I don't know. पानी थोड़ा सूखना हो पड़ेगा. इसका पानी जब तक सूख रहा है आई टेल यू ये जो किमची वाला रह गया था इसमें जो अभी दिख रहा है ना आपको ये स्प्रिंग अनियन एंड थोड़ा कैबेज लीव्स या पॉपचर लीव्स इसका क्रंच बड़ा सही लग रहा है अभी लास्ट में. स्पाइसी तो नहीं होगा ये. प्लस इन लोगों का कलर देख के भी लगता है लोगों को सिंथे मतलब आर्टिफिशियल कलर मिलाता है और आर्टिफिशियल स्पाइस मिलाता है. इसका टेस्ट अलग ही होता है.
आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, मेरे को कमेंट करके बताइए। मुझे तो लगता है ये लोग आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल स्पाइस ऐड करता है। चलो इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। अब ये सॉस मैंने पहले इसलिए डाले ताकि वो नूडल्स के अंदर अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए, ये सूख जाएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए अब इसमें चीज़ पाउडर डाल देते हैं। इतना स्लर्पी तो रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर बहुत ड्राई हो जाएगा। लेट्स जस्ट टेक इट। इसको मैं ना फोक से ही खाऊंगी बिकॉज बहुत गर्म है। इस फ्लेवर में आप देख सकते हैं सीवीड शीट का फ्लेक्स दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा। देख के उतना एपेटाइजिंग मेरे को लग नहीं रहा, देखो खा के कैसा होगा। मेरे को लगा था येलो कलर का थोड़ा होगा, चीजी चीजी, पर ये तो लाल कलर का ही है। मम्मी मम्मी बन गई, मम्मी मम्मी इजिप्शियन मम्मी, फोक मम्मी, फोक मम्मी। ओ वाओ दिस इज सेन आर्ट, है ना ये बेटा? हां अरे लेकिन अच्छे से बना लिया है। फोक मम्मी इट्स स्पाइसी एंड इट्स चीजी, इट्स स्पाइसी एंड चीजी। व्हेन आई से इट्स स्पाइसी एंड चीजी मतलब समझो इट्स स्पाइसी एंड चीजी। बहुत लंबा नूडल्स है इसका। नूडल्स आर वेरी वेल कुक्ड, हम लोग बहुत अच्छे से नूडल्स को बॉईल कर लिए हैं, एकदम बिल्कुल च्यूई नहीं लग रहा है। जो हम लोग 2x स्पाइसी खाते हैं ना वैसे फ्लेवर है, बट इसका एक चीज है कि इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस भी आ रहा है। जब आप च्यू करके गल्प डाउन कर ले रहे हो ना तो आपके पैलेट में एक स्वीट फ्लेवर आ रहा है, बट वेन यू आर टेकिंग द बाइट एट दैट टाइम इट्स स्पाइसी एंड लिटिल बिट सॉल्टी बिकॉज ऑफ द चीज फ्लेवर। इट्स गुड, लाइक इट्स गुड। इट्स क्रीमी इन टेस्ट एज वेल, चीजी फ्लेवर मैंने सोचा था स्पाइसी नहीं होगा बट इट्स स्पाइसी। टू एक्स स्पाइसी नो, थ्री एक्स स्पाइसी नो, जजांग नो, बुलदाक येस, बट शाम को हाँ। लेट मी ट्राई दिस बुलदाक हॉट चिकन फ्लेवर रामेन, ये स्पाइसी भी नहीं है और बेक के भी अच्छा लग रहा है। लेट्स ट्राई दिस। फ्लेक्स एंड सॉस, डिग 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 डूडी डूडी डा। अब आप ये भी देख के स्पाइसी लग रहा है, इसके भी मुंह से धुआं निकल रहा है। मिक्स दिस। अब इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये सूख नहीं जाए। मैं काफ़ी सूखा लिया है, व्हाट आई एम गोना डू, थोड़ा सा वेरिएशन इसमें लाऊंगी, ज़्यादा नहीं। अंडा डालूंगी बीच में, ब्लैक पेपर, गुड जॉब। एंड इसके ऊपर मैं फ्लेक्स डाल दूंगी विच इज द नोरी शीट। आप देख सकते हैं ये एक पूरा पोस्ट एग बन गया है, व्हाइट वाला पोर्शन पूरा कवर हो चुका है येलो योक में, तो योक भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। सो नाउ इट्स रेडी, लेट्स ईट। माय लव, मेरा आई डोंट नो व्हाट इज दिस हॉट चिकन रामेन फ्लेवर इज रेडी। आई नो मैं ये पैन में खा रही हूँ, बहुत जन बोलेंगे आप पैन में क्यों खा रहे हो, प्लेट नहीं है क्या एंड ऑल। नहीं, मैंने इतना अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया था, मेरे को इसको वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा था। ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल हैव कमेंटेड, Not lot of people. I saw a comment जिसमें लिखा था दीदी ये पैन अब तो छोड़ दो, स्टार्टिंग से देख रही हूँ उस पैन को। सो क्या होता है ना, आई डोंट नो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ चीजों के साथ मेरा सुपरस्टिशियस हो जाता है, तो ये पैन इज वन ऑफ देम बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड इन लॉकडाउन एंड आई स्टार्टेड कुकिंग इन लॉकडाउन, सो दिस वॉज ओनली पैन आई हैड बैक देन एंड आई हैव लिटरली कुक्ड एवरी डिशेज, लाइक मोर देन 50 वीडियोज हैज बीन रिकॉर्डेड इन दिस पैन। सो दिस पैन इज वेरी नियर टू मी, भले ही इसका कुछ भी जंग पड़ जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट स्टिल आई लव दिस पैन अ लॉट। दिस इज माय पैन, ये सिर्फ मेरे कुकिंग के टाइम पे काम आता है, पापा के में भी काम आता था, बट अभी मैंने पापा को नया पैन लाके दे दिया है। सो दिस इज बेसिकली माय पैन, सो मैं इसमें खा सकती हूँ, मैं कुक कर सकती हूँ, एवरीथिंग आई डू। ये घर के खाने के लिए यूज नहीं होता, ये सिर्फ हमारे वीडियो के खाने के लिए ही यूज होता है। Yes, I am gonna directly dig into the pan and eat from the pan itself. So I hope you understand my emotions. That why I don't leave this pan. थोड़ा सा ये वो हो गया है dry, मैंने जानबूझ के किया है। Let's see what is the condition of the egg first. Yucky, yucky, wow, this looks good to me. Let's ज़्यादा ज़्यादा इसका yolk है नहीं creamy, because वो थोड़ा सूख गया है, but that's okay. It's like ऊपर से baked kind of you know dry हो गया और नीचे पूरा slurpy, so like it's kind of good.
Not spicy. Cheese and egg ka yoke ke wajah se it's creamy, it's good taste. Like it's delicious spice. It's nice. This is actually delicious. See, चैलेंज करने के लिए क्लिकबेट करने के लिए पीपल व्हाट दे डू कि वो नूडल्स बॉइल कर लेते फिर ऊपर से वो उस मसाला को मिला के फिर खाते तो दैट्स एक्सट्रीमली स्पाइसी बिकॉज यू आर डायरेक्टली इनटेकिंग द आर्टिफिशियल स्पाइस इन योर माउथ सो ऑब्वियसली स्पाइस लगेगा बट व्हेन आई एम नॉट डूइंग अ चैलेंज व्हेन आई एम नॉट ट्राइंग टू डू क्लिकबेट तो आई वांट टू रिलिश एंड आई वांट टू एंजॉय द डिलीशियस टेस्ट सो बेटर टू कुक इन अ गुड वे नो इसमें तो मैंने कोई वेरिएशन ऐड नहीं किया लाइक कोई सब्जी एंड ऑल अगर इसमें ऐड वैड करके खाए ना सब्जी एंड ऑल It will be good. Like, it will be good. Noodles are really very well cooked. इवनिंग फूड फॉर्म्स अभी हो गया है शाम का टाइम एंड नाश्ते में मैं खाऊंगी अभी वुहू कार्बोनारा बुलडॉग सैमयांग नूडल्स लेट्स मेक इट सुपर सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस बुलडॉग कार्बोनारा हॉट चिकन फ्लेवर रामेन इसके साथ अगेन दैट रेड सॉस एंड दिस इज कार्बोनारा चीज पाउडर खासियत है कि इसके नूडल्स ऐसे गोल सर्कल में आता है लेट्स बॉइल द नूडल्स सो इसका नूडल्स का कलर थोड़ा डिफरेंट है एंड आप देखो इसका नूडल्स का शेप भी थोड़ा डिफरेंट है राइट थोड़ा येलोइश कलर बहुत ऐसा लग रहा है कि नूडल्स में भी चीज डाला हुआ है ऐड द सॉस लेट्स ऐड द कार्बोनारा चीज पाउडर सो दिस इज काइंड ऑफ रेडी एंड वेरी चीजी इसका खुशबू भी बहुत अच्छा रहा है लेट्स ईट चिकन फ्लेवर चीजी कार्बोनारा स्लर्पी क्रीमी ये फ्लेवर काफी अच्छा लग रहा है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर्स इन कोरियन कुजीन विंटर से बोल के मैं इतना डाइजेस्ट कर पाऊंगी नूडल्स अदरवाइज समझ में तो माशाल्लाह छोड़ ही दो मैं ग्रीन ग्रीन ना कुछ और पार्सली जैसा कुछ हर्ब्स है देयर इज नो फ्लेक्स इन इट वाओ स्वीट स्पाइसी क्रीमी डिलीशियस वेरी नाइस बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा फ्लेवर्स है यू नो सब कोई 2x 3x स्पाइस से सब चैलेंज करता रहता है इनके दूसरे फ्लेवर्स आप ट्राई करो दिस आर लाइक वेरी गुड फ्लेवर सुबह कौन सा ट्राई किया था चीज फ्लेवर ना किमची किमची नहीं किमची के साथ किमची और चीज उस चीज से भी ज्यादा कार्बोनारा ज्यादा अच्छा है ये ज्यादा चीज ही है इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा है इट्स लाइक द बेस्ट हैंगओवर फूड यू नो बेस्ट हैंगओवर नॉट नेसेसरी कि अल्कोहल से हैंगओवर होता है काम कर करके स्ट्रेस से भी हैंगओवर होता है बहुत ज्यादा बातें करके बहुत ज्यादा एडिटिंग करके बहुत ज्यादा काम करके भी हैंगओवर होता है बहुत पार्टी करके भी हैंगओवर होता है For my dinner, I'm going to make this, which is seafood party pack. Now, I'm very excited to try this because it's a new flavor which I haven't eaten. But I'm going to make a twist. I'm not going to eat blind. Its price is 125 rupees. And let's see what's inside. One is soup base, and one is flakes. This dish I'm going to make with a twist. In the pan, we'll add olive oil, chopped garlic, chopped onion, chopped green chilies, tomatoes, stir. टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा फिर पानी डालेंगे इसमें डालेंगे पानी थोड़ा मेरे को सूपी बनाना है सो आई एम एडिंग थोड़ा सा ज्यादा पानी इसमें भी मैं सूप बेस और फ्लेक्स डाल दूंगी फ्लेक्स में मेरे को ड्राई स्प्रिंग अनियन दिखा और थोड़ा सा सीवीड शीट का फ्लेक्स दिखा और इसमें ये सी फूड का जो सूप बेस है वो डाल देते इसको मिक्स करते हैं और आई विल ब्रिंग इट टू बॉयल तो सूप थोड़ा बहुत बॉयल हो गया तो अभी हम इसमें नूडल्स डाल देते हैं क्योंकि नूडल्स को भी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको मैं ढक देती हूँ और इसको थोड़ा पकने देती हूँ सो नाउ आई थिंक नूडल्स बॉयल थोड़ा बहुत हो ही चुका है यहाँ
यहाँ पर मैंने स्क्विड थोड़ा सा काट के रखा हुआ, स्क्विड ऐड कर देंगे, प्रॉन ऐड कर देंगे, यू नो सी फूड का और फ्लेवर्स बढ़ाने के लिए आई विल डू दिस। एंड अब देखो जैसे डाला स्क्विड का रिंग कितने अच्छे से बन गया, एंड वी विल लेट इट कुक फॉर अ वाइल। इसके टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आई विल ऐड अ पिंच, यू नो हाफ टेबल स्पून विनेगर, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। I'm super excited. I hope this turns out to be good. So, mera ramen noodles is almost ready. I'll add egg. Isko thoda sa mix kar denge, ise hila denge. Charo taraf. Tons of coriander on top. Cover it for a while. And ek do minute mein it will be ready to be eaten. So, voila, my seafood samyang. रामेन नूडल इज रेडी एंड दिस लुक सुपर टेम्पटिंग, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लास्ट में मैंने जो इतना सारा टन्स ऑफ धनिया पत्ता डाला ना, उसके वजह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, नहीं तो इससे पहले मेरे को ना बहुत फिशी स्मेल आ रही थी बिकॉज ऑफ एडिंग स्क्विड, एंड स्क्विड का स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज बोलू, जो हमने फ्लेक्स डाला था ना, उस फ्लेक्स में ना ये एक आया हुआ है, आई थिंक कोई फिश मीट और समथिंग, व्हाट इज इट आई डोंट नो, स्पैम की तरह लग रहा है, स्पैम मीट और समथिंग, ऐसे चंक्स है। सो जब ये डिहाइड्रेटेड जो वेजीज थे ना, जब वो हाइड्रेट हुआ तो उसमें मेरे को ये एक चीज मिला, आई डोंट नो व्हाट इज इट, आई नीड टू ट्राई व्हाट इज दिस, लेट्स सी, फिश मीट होगा आई थिंक, या टेस्टिंग लाइक सोयाबीन, आई थिंक इट्स आर्टिफिशियल डिहाइड्रेटेड फिश मीट और फिश केक। लेट मी ट्राई द सूप फर्स्ट, सूप का कलर कितना प्यारा लग रहा है ना, लेट्स ट्राई, द सूप इज सो गुड बिकॉज आई हैव एडेड सो मेनी इंग्रेडिएंट्स, शायद इसीलिए इतना अच्छा लग रहा है। धनिया पत्ता का अच्छा टेस्ट आ रहा है, टमाटर का खटास आ रहा है, प्रॉन एंड स्क्विड का भी हल्का सा सटल फिशी टेस्ट आ रहा है, द सूप बेस इज स्पाइसी हो, आई डोंट नो, बिना अगर मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं डालती, अगर डायरेक्टली बना के खाती तो आई थिंक इतना अच्छा नहीं बनता शायद, कभी और मैं ऐसे ट्राई करके खाऊंगी सिंपल, बट आज तो मेरे को इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के खाना ही था। वाह, नूडल्स काफी है इसमें, इतना सूपी बनाया फिर भी बहुत ज्यादा, यू नो बहुत जल्दी सूप सोख लिया, सुपर हॉट, नूडल्स के अंदर बहुत अच्छे से यू नो सूप का जो फ्लेवर्स है बहुत अच्छे से इन्फ्यूज हो गया है। प्रॉन एंड स्क्विड का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, हल्का हल्का सटली फिशी टेस्ट, वेरी नाइस, दिस इज टर्न आउट टू बी रियली गुड, कटा कटा मिर्ची भी मुंह में आ रहा है, बड़ा सही लग रहा है। प्रॉन इज टेस्टिंग सो गुड, प्रॉन में भी सूप बहुत अच्छे से इंफ्यूज हो गया, टमाटर और धनिया पत्ता का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। सामयांग का वन ऑफ द बेस्टेस्ट नूडल्स आई हैव हैड, मे बी बिकॉज ऑफ द वेरिएशन आई हैव मेड इट विद, क्योंकि इसका सूप बेस का जो फ्लेवर है वो डिफरेंट है। ये एक बॉल ऑफ नूडल्स बना लिया है, एंड आई एम गोना टेक दिस बिकॉज मेरे से स्लर्प नहीं हो रहा है, ये बहुत लॉन्ग नूडल्स है, बिग बाइट, बाइट वॉज सो जूसी, नूडल्स में से एकदम ब्लास्ट आउट हुआ, यू नो जूस वॉज सो गुड, सुपर डिलीशियस, लेट मी ट्राई द स्क्विड नाउ, लेट्स ट्राई दिस, स्क्विड टेस्ट सो फिशी, स्पेशली द स्मॉल स्क्विड्स, यू नो बट बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स चूई बट इट्स गुड। आप मेरा हालत देख ही सकते हैं, मैं खा खा के एकदम नशे में हो गई नूडल्स खा खा के। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद सम रेयर डिलीशियस कुक बैंग वीडियो, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी प्लैनेट से जाके बारबेक्यू तंदूर सब खरीद के लाया हुआ है, सो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर 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 फन एंड अमेजिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ईटिंग।